हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं और किस तरीके से ये स्टेप वन बाय वन अपने अपने प्लेस पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। द सब्जेक्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड द टॉपिक इज स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव इवेल्युएट, आई हैव एनालाइज दिस क्वेश्चन हैज रिपीटेड मैनी टाइम्स। सो आई वॉन्ट टू से यू स्टूडेंट्स प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इन वेरी इफेक्टिव मैनर। सो If this question came, then you can attempt in very good manner, okay? As well as you can score a good marks. Okay, start the video lecture on the topic of stages in consumer decision process. First one is, here five steps are given in the process of consumer decision. Okay, first one is problem recognition, second one is information search. Third one is evaluation and alternatives and selection. Fourth one is outlet selection and purchase. And last post purchase action. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। जब हम कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कंज्यूमर की, कि किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिसीजंस लेता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उनके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। अब जैसे सपोज हम बात करें कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर कोई मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो कौन कौन से स्टेप वो फॉलो करता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग कर रहा है और किस तरीके से फाइनली किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। तो पहली चीज क्या है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। मींस टू से आपको प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, क्या एक्चुअल में आपको किस चीज की जरूरत है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सबसे पहले कंज्यूमर को अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिजर साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर और इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन क्या करोगे, जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे हाँ ये प्रोडक्ट चाहिए, अपनी अपनी नीड को रिकॉग्नाइज कर लिया, तब आप क्या करोगे, जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप क्या है, सर्च करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से क्या सर्च कर रहे हो, बहुत सारे सोर्स हैं। ठीक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, इवेल्युएशन एंड अल्टरनेटिव एंड सिलेक्शन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोज आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है, अब कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट कर रहा है, आपके एटीट्यूड के हिसाब से सूट कर रहा है, आपके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से सूट कर रहा है, तो वो हम बात कर रहे हैं इवेल्युएशन एंड अल्टरनेटिव देन सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, किसी फाइनली किसी एक को सिलेक्ट कर लोगे। प्रॉपरली आपने इवेल्युएशन करी, प्रॉपरली आपने अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया, एनालिसिस करी, तब जाके आपने फाइनली एक प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करने का डिसीजन ले लिया। ठीक है, और उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करा, फाइनली किसी एक को सिलेक्ट कर लिया और उसको परचेज कर लिया। ठीक है, उसके बाद पोस्ट परचेज एक्शन, यानी कि उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोस्ट परचेज एक्शन। चलिए इस पूरे कंज्यूमर स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि सपोज बॉबी रियलाइज दैट शी इज फेड अप विद ब्लैक एंड वाइट टीवी एंड बैड साउंड रिप्रोडक्शन। बॉबी ने अपनी जो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की वो ये है कि उसको एक नया टेलीविजन, एक इनोवेटिव जो आज के हिसाब से जो टेलीविजन है वो चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट है उससे वो फेड अप हो गई है। ठीक है, और साउंड क्वालिटी भी उसकी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज की थी, क्या थी, कि बॉबी ने अपनी नीड को रिकॉग्नाइज किया कि एक्चुअल में उसे क्या प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, वो चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके क्या, उसने क्या किया, सेकंड स्टेज में हम बात कर रहे हैं बॉबी सर्फ द इंटरनेट टू लर्न अबाउट टीवी। बॉबी ने क्या करा, इंटरनेट की हेल्प से इन्फॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी कि आज के टाइम में मार्केट में किस हिसाब के टीवी आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे टेलीविजन है,
उसके बाद कंपेयर सेवरल मॉडल इन टर्म ऑफ फ्री रेपुटेशन, ठीक है। उसने क्या करा, थर्ड स्टेजेस में इवेल्यूएशन एंड अल्टरनेटिव में बहुत सारे मॉडल को कंपेयर किया रेपुटेशन के हिसाब से एंड अवेलेबल फीचर्स, और जो भी अवेलेबल फीचर्स हैं उनके हिसाब से उसने उनको इवेल्यूएट किया अल्टरनेटिव को, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, आउटले सिलेक्शन एंड परचेज। बॉबी चूज वन मॉडल, इट हैज़ अ फीचर दैट रियली अपील टू हिम बाय इट, ठीक है। बॉबी ने एक एक जो टेलीविज़न है उसको सिलेक्ट किया और उसको परचेज करना किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज आर चॉइस, जो भी उसकी अपील वो बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिसोनेंस एंड कॉम्प्लेक्स इवेल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद उसने प्रॉपरली उस चीज को क्या करा, कॉम्प्लेक्सली इवेल्यूएट करा, ठीक है। यानी कि उसका जो पोस्ट परचेज बिहेवियर था वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन थी। तो ये हम बात कर रहे हैं किसमें, पोस्ट परचेज एक्शन में, कि फाइनली एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसका किस हिसाब से उसकी हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लोगों को उसके बारे में उसका फीडबैक दे रहे हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं ये पोस्ट परचेज एक्शन, ठीक है। परचेजिंग करने के बाद जो भी आपका बिहेवियर है किसी प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आपका दोनों ही केसेस हो सकते हैं, या तो आपको आपका जो बिहेवियर वो पॉजिटिव होगा या आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा, तो वो हम बात कर रहे हैं पोस्ट परचेज एक्शन। तो ये थे स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्च, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे आप उससे रिलेटेड। फिर मेन जो स्टेप यहाँ पे है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप को फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक प्रॉब्लम प्रॉपरली, अगर आपने प्रॉपरली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसका मतलब आपका आधा काम हो गया है, ठीक है। क्योंकि फिर आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, तो वो, और उसके बाद बहुत सारे इवेल्युएशन करनी है, एनालिसिस करनी है, फाइनली किसी प्रोडक्ट का परचेज करना है, ठीक है। तो ये थे स्टेप, सेकेंड था इन्फॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन, अल्टरनेटिव सिलेक्शन, आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज, और लास्ट है पोस्ट परचेज एक्शन। तो स्टूडेंट्स ये था स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। कोई भी कंज्यूमर जब मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उससे पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, तब जाके फाइनली वो किसी प्रोडक्ट को परचेजिंग करने के लिए डिसीजन लेता है। तो वो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से वो फाइनली परचेज करता है। तो स्टेप बाय स्टेप ये स्टेजेस और ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं, तब जाके फाइनली उसका जो पोस्ट परचेज एक्शन स्टेज है वो फाइंड आउट होता है, ठीक है।